तमाम पेरेंट्स के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब आपका बच्चा फ्री में पढ़ सकता है नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक। दरअसल भारत सरकार ये स्कीम लेकर आई है। मैं आपको बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये स्कीम लाई गई है, जिसमें आपके बच्चे को मुफ्त एजुकेशन दी जाएगी नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक। यानी कि आपको एक रुपया भी खर्चने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में भी ये एडमिशन जो है वो आपको आपके बच्चे को दी जा सकती है, और आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक। आपको मैं बता दूं, फिलहाल RTE में एडमिशन आप लोगों को करना है। RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आ जाएंगे तो पूरा क्राइटेरिया आपके सामने आ जाएगा, एडमिशन्स कब खुलेंगी ये भी पूरा जो है वो सामने आ जाएगा कि कब से लेकर कब तक एडमिशन्स जो है वो खुली हुई है। हर साल ये एडमिशन्स बच्चों की होती है, और एक लॉटरी सिस्टम की तरह मैं कहूँ, अगर आपके बच्चे का नाम इसमें आ जाता है तो आप लोगों की लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि अगर आपके बच्चे का नाम इसमें आता है तो फ्री एजुकेशन आपके बच्चे को नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक दी जाएगी। इसमें मैं आपको बता दूं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होगी, यानी कि प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो पेरेंट्स का आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है जो फादर का होगा, आवास प्रमाण पत्र है, और इसी के साथ साथ जो बच्चे की एज रहने वाली है ये 3 साल से लेकर 6.5 साल के बीच आप बच्चों के एडमिशन्स करवा सकते हैं। 3 साल का जो बच्चा होगा, 3 साल से लेकर 6.5 साल के बच्चे के एडमिशन्स आप लोग करवा सकते हैं कि नर्सरी क्लास में एडमिशन्स जो है वो होंगी, और इसके बाद आपके बच्चे को जो है वो फ्री एजुकेशन दी जाएगी 12वीं कक्षा तक। तो यानी कि आपको एक रुपया भी खर्चने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जाकर आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। देखिए, सभी डिटेल्स जो है वो आप सही से सबमिट कीजिएगा, क्योंकि अगर सही डिटेल्स आप डालते हैं तो ही आपके बच्चे को ये लाभ मिल सकेगा सरकार का। अदरवाइज जो है वो आपका फॉर्म अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो आपके बच्चे की एडमिशन इसमें नहीं हो पाएगी। इसलिए पूरी जो है पूछी गई चीजों को सही तरीके से भरिएगा, आपके बच्चे जो है इस क्राइटेरिया में फिट बैठने चाहिए। अभी फिलहाल आप देखिए जो कुछ इसमें रिपोर्ट सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं, राइट टू एजुकेशन के तहत अब सरकार जो है ये फैसला ले रही है ताकि वो घर के बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सके प्राइवेट स्कूल्स में, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीसें जो मंथली फीस होती है, एनुअल चार्जेस होते हैं, ये एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फैसला जो है वो भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। अब किस तरह से आप देखते हैं, देखिए पल पल की अपडेट्स के साथ साथ पल पल जो स्कीम्स गवर्नमेंट आपके लिए लेकर आती है वो स्कीम्स भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अगर आप लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, इस पर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपनी क्वेश्चंस को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इसका जवाब देने की। पर अब तक मैं बता दूं, नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक आपके बच्चों को बिल्कुल फ्री एडमिशन दी जाएगी, फ्री आपके बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। RTE में एडमिशन आपके बच्चों को करना है, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है, वहां पर फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको रिजल्ट आने का वेट करना है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा जब आपका बच्चा अगर क्वालिफाइड हो जाता है उस चीज के लिए, तो जो रिजल्ट सामने, क्योंकि ये गवर्नमेंट उन बच्चों के लिए कर रही है जो बच्चे होनहार हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं पर पैसों की तंगी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोगों को जो है वो जब रिजल्ट सामने आ जाएगा, रिजल्ट के बाद जो है लॉटरी सिस्टम के तहत आपके बच्चे का अगर नाम उसमें आ जाता है तो फ्री एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होगी। किस तरह से आप देखते हैं इस खबर को, ज्यादा से ज्यादा उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिन पेरेंट्स ने भी बच्चों के एडमिशन करवानी है और चिंता कर रहे हैं कि किस तरह करवाई जाए, कहाँ से पैसे लाए जाए, तो खबर को ज्यादा से ज्यादा उन जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। देखते रहें आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।